आज दीपा श्रीवास्तव डॉल्फिन का फैंसी ड्रेस बनाने जा रही है, तो उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो फैब्रिक कलर लगेगा, सीजर लगेगा, आपको फेविकोल लगेगा, ठीक है, और रिबन लगेगा, पेंसिल, मार्कर और बॉक्स बोर्ड। ये बॉक्स बोर्ड होता है थोड़ा ठीक होता है, ये देखिए बॉक्स बोर्ड है, इसको बॉक्स बोर्ड बोलते हैं, और ये थोड़ा मोटा होता है तो फटता नहीं है, बच्चे इसको पहनते हैं तो फटता नहीं है। ये देखिए ये चार्ट पेपर होता है, ये बहुत पतला होता है, फट जाता है, ये आपको ध्यान देना कि आपको बॉक्स बोर्ड लेना है। तो दो हम बॉक्स बोर्ड लेंगे, दो बॉक्स बोर्ड, ये सीने के जी के बच्चे के हाइट के हिसाब से है, इसलिए दो बॉक्स बोर्ड लगेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डॉल्फिन ड्रॉ कर लेंगे, हमने हल्का सा पेंसिल से स्केच कर लिया है, उसके अलग अलग पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हम आपको मार्कर्स करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इस टाइप से आप बड़ा सा शेप लेंगे, ये बड़ा सा शेप ले लेंगे, काफ़ी बड़ा हम ले रहे हैं ताकि बच्चों को प्राइज मिले, बहुत छोटा सा आप गले में लटकाएंगे तो प्राइज नहीं मिलता है। ये पूरा ऐसे ये शेप ले लिया हमने, वापस यहाँ से इसको लाया, इधर से ऐसे ले लिया, ये आपको यहाँ पे ये फिंस जो हमने यहाँ बनाई है ये हम 3D बनाएंगे। तो अभी हमने आपको ड्रॉ करके बस दिखा दिया कि इस जगह पे हम फिंस बनाएंगे, और ये फिंस हम कट करके अलग से इसको लगाएंगे, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। यहाँ से हम इसको लेकर के आएंगे और यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर नीचे वाला पार्ट के लिए हम इधर से ऐसा लेंगे, ये देखिए यहाँ पर स्टेप से ले लेंगे, ये सब हम फैब्रिक कलर से पेंट करेंगे। फिर ये हिस्सा ये हो गया, तो ये बॉडी का हिस्सा हो गया, ये जो पार्ट है वो आगे पीछे का फिंस का है। तो यहाँ से इसको ऐसा लेंगे, इधर भी यहाँ पे स्टेप से इसको ले लेंगे, ये पेंट कर लेंगे। ये पीछे के फिंस जो यहाँ पे लगते हैं ये हम सबको दो दो पीस कट करेंगे, और इसको फिर फेविकोल से जोड़ करके इसको थोड़ा 3D बनाएंगे, ये देखिए। और इसके जो पीछे के फिंस है वो हम इस एरिया में चार्ट पेपर में वेस्टिंग करना चाहते हैं, ये जो पीछे का एरिया है, पीछे का जो फिंस का ये रहता है वो हम ऐसा ले लेंगे, ये देखिए स्टेप से ऐसा ले लिया, यहाँ पे एंड तक काफ़ी बड़ा सा बनेगा स्टेप। इन सबको हम डबल पीस कट करेंगे, ठीक है। तो सुमेर मेरे दो पोर्शन को कट कर ले रहे हैं, तो इसको ट्रेस कर लिया हमने, ये हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एक पोर्शन ये रेडी हो गया, ये अपोजिट अपोजिट करना है मुझे, ये देखिए इसकी इस वाले एरिया में हम फेविकोल लगा देंगे, ये वाला एरिया स्टेप से अब पूरा फेविकोल लगा देना है, लगाते रहिए आप थोड़ा अच्छे से, ये पूरे पोर्शन में आपको फेविकोल लगा देना है। इधर हम पूरा इसको लगा देंगे इस वाले में, क्योंकि इसमें हमको कुछ भरना नहीं है, ये वाला ये पीछ वाले एरिया को भी लगा देंगे, इस वाले एरिया में हम नहीं भरेंगे, इस एरिया में हम फेविकोल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, फेविकोल लगा दिया हमने, अच्छे से लगा देना कि खुले ना, और इसको हम इस पर स्टिक कर देंगे। हमने यहाँ पे फेविकोल नहीं लगाया है, दोनों को अच्छे से लेकर के आपको इसको चिपका देना है, इसको दबा के चिपकाना है आपको थोड़े, ये आपका डॉल्फिन का दो पार्ट रेडी हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। इसको मरकज है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये उभरा हुआ दिखे, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और डाल देंगे इतना में, इसको बाद में कट कर देंगे, थोड़ा फूला हुआ लगेगा, ठीक। ये आपका हो गया जुड़ के, सेम ऐसे ही मुझे इसको करना है, इसके भी दो पार्ट को हमने कट कर लिया है, और इसको भी हम यहाँ पे फेविकोल लगा देंगे, इस वाले एरिया हम लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे हम, ये
ये आपको इधर लगा लेना है। इसके अंदर हम न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर डालेंगे ताकि ये थोड़ा फूला हुआ दिखे। ये देखिए हमने ये ले लिया। आपको ये छोटे छोटे जो पेपर है वो भी इसके अंदर रख सकते हैं सर, जितने आपके कतरन बचे हुए हैं ये वाले, इसको भी इसके अंदर डाल दे रहे हैं क्योंकि वेस्ट होके फिक जाएंगे। ये आप कट कर करके इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं इस टाइप से। ये देखिए इसके जो पीसेस बचे हुए हैं इसके अंदर डाल दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको इसके ऊपर ऐसे ही रख देंगे। इधर देखिए मैंने नीचे फेव को लगाया है और इस तरफ सब लगाया है। यहाँ पे हमको इसको भी सेम ऐसे चिपका के रख लेना मुझे। ठीक है, और इस जगह पे मुझे इसको स्टिक कर देना है। यहाँ पे हम फेव को लगा दे रहे हैं और इस जगह पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका नीचे का पार्ट रेडी हो गया और ये इधर साइड का हो गया इधर का। ठीक है, अच्छे से दिन भर रात भर सूखने के लिए रख देना है इसको। फिर आपकी ये पीछे के जो पिंस है ये वाले, ये दो पार्ट इसको भी लेना है। ये देखिए मैं दो पार्ट लिया हुआ है। ये इस जगह का है, ये पेंटिंग होने के बाद लगेगा इसको। ये दो पार्ट इसके हैं, ये दो पार्ट ये वाले हैं। ये पार्ट जब पेंट हो जाएंगे तो हम इसको इस टाइप से हल्का सा मोड़ कर कुछ दिखा दे रहे हैं। पेंटिंग बाद हम फिर दिखाएंगे, इस टाइप से इसको लगाना है तो ये 3D दिखेगा। ठीक है, और इसको भी हम गुब्बी फ्रेम को लगा दे रहे हैं इस वाले एरिया में। इसमें भी छोटे छोटे पार्ट जो है आपको दिखाएं जो पहले वाले में, ऐसे इसमें भी हम डाल देंगे। ठीक है, इसको हम इसमें लगा करके पूरा अच्छे से मॉइस्ट करके रखते और ये ऐसे चिपका लेना है। ये चिपक गया, ये वाला अभी हमको चिपकाना नहीं है वाला एरिया, इसको हम इस जगह पे आपको लगा करके मुझे इसको यहाँ पर लगाना है। ये देखिए इस जगह पे ये वाले पार्ट को आपको यहाँ लगा देंगे तो ये आपकी डॉल्फिन रेडी हो जाएगी। अब इसको कलर करेंगे तो आपको भी ऐसा लेना है। इसके अंदर हमने देखिए न्यूज़पेपर लिया है और जब हल्के आगे आपको इसके अंदर भर देना है, सूखने के बाद भरना है। ये देखिए तो आपकी डॉल्फिन फुली दिखेगी। ये देखिए पेपर को ऐसा लेना है और हल्के हाथ से इसको अपना ऐसा डाल देना है। इसको ज़्यादा फिर दबाना नहीं आपको। ये देखिए ऐसे पेपर फाड़ लेना है आपको पतले पतले स्टेप में और इसको इसके अंदर ऐसा डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको फेविकोल को लगा देना है इस जगह पे। आप स्टेपल भी कर सकते हैं, सेलो टेप भी लगा सकते हैं। ये जो मेरा पार्ट खुला हुआ है इस पे हम फेविकोल को लगा देंगे। रखा करो तुम्हें ना जी था। ये देखिए वैसे हमको चिपका देना है इसको। ये चिपक गया मेरा और ये थोड़ा फुला हुआ आपको दिख रहा है एरिया। ठीक है, अब इसको हम कलर करेंगे। ठीक है, इसको हमको कलर कर लेना है। ग्रे रंग का भी कर सकते हैं आप, ब्लू रंग भी कर सकते हैं। या फिर कुछ कलर करना है पूरे, फिर इसको इस टाइप हम लाइट कलर लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर साइड का पोर्शन है और बीच इस साइड हम डार्क लगाएंगे। ठीक है, तो फैब्रिक कलर आपको लेना है। फैब्रिक कलर ग्रेज आता है, वो पोस्टर कलर नहीं यूज़ करना है आपको। ये देखिए ऐसा करके बहुत हल्का सा पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना आपको। इस टाइप से आपको पूरा फिश को कलर कर देना है। इस जगह पे हम आपको दिखा दे रहे हैं ये वाला एरिया जो है इसको भी हम कलर कर देंगे क्योंकि फिर हम ऊपर से लगाएंगे। ये वाला एरिया को भी हम
इधर डार्क कलर यूज करने के लिए इस टाइप से, ये जो एरिया है इसका ये डार्क कलर यूज करेंगे। फैब्रिक का ध्यान रखिए खुला नहीं छोड़ना है आपको लंबे समय तक, वरना सूख जाता है। और एक ही डायरेक्शन आपको ब्रश चलाना है, ये नहीं कि ऐसे भी चलाया ऐसे भी चलाया, ऐसा नहीं करना आपको, एक ही डायरेक्शन कलर चलाना है इस टाइप से। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को प्राइज फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। और ये देखिए इस टाइप से ये जैसे स्ट्रोक लगा करके कलर करते जा रहे हैं। नीचे वाले एरिया में हम डार्क कलर लगाएंगे, डार्क ब्लू लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा मैंने लगाया है वो बाद में हम कटिंग से फिनिशिंग कर देंगे। इस टाइप से लेंगे, ये देखिए स्टेप से हमने इसको ब्लू कलर को कर दिया है। ठीक है, ये वाला एरिया भी डार्क ब्लू रहेगा। इधर लाइट ब्लू लगाएंगे हम और थोड़ा सा ग्रे भी लगाएंगे हम, इसको ऐसे मर्ज कर देना है इसमें। ये पर्पल कलर मेरे पास है, ये कलर लेंगे हम, इसके इस साइड में लगाएंगे। पानी कम सा लेंगे, पानी लेके फिर कलर लेना है, कलर लेके पानी नहीं लेना है, कलर लेना है फिर वाटर को यूज़ करना है। इस टाइप से इसी डायरेक्शन ब्रश को चलाना है, इस टाइप से। ये देखिए इसका ये रेडी हो गया, ये पार्ट हम कंप्लीट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर ये देखिए ऐसे लगा देना है। इस टाइप से ब्रश को लेना है, पानी लेना है, कलर लेना है, इस टाइप से ब्रश को चला देना है। ये देखिए डॉल्फिन हमने पूरी कलर कर दी है, ये पूरा हमने कलर कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर ये जो ये फिन्स बना रहे हैं, ये वाला ये फिन्स, तो ये यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये हल्का सा एरिया जो हमने दिखाया था ये हम मोड़ देंगे, इसको मोड़ के फिर यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमने देखिए ऐसा लगा दिया है और ये अभी सूखेगा। ये देखिए ऐसा फिन्स, तो अभी सूखा नहीं है, गीला है, तो इसको हम किस चीज़ से दबा देंगे ताकि ये सूखे। इस टाइप से रख के दबा देना है, ऐसा कोई चीज़ भारी चीज़ रख के इसको दबा देना है ताकि ये सूखता रहे। अभी हम इसको छोड़ेंगे, छुएंगे नहीं क्योंकि अभी गीला है। ये देखिए पूरा मेरी डॉल्फिन रेडी हो गई है। इस जगह पे हल्का सा हम वाइट टिप्स देंगे आइस के लिए, ये देखिए आँखों के लिए। और हम बाद में काम करेंगे। अभी इसके जो डॉल्फिन का ये ड्रेस पहनेगी, इसके फेस हेड के लिए भी ड्राइंग बनाने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को फर्स्ट प्राइज मिले। ठीक है, ये हेड के ऊपर लगाने के लिए बना दिया है,
ये तो इस पर रेन ड्रॉप्स और लगाएंगे इसके ऊपर, और ये हेड के ऊपर लगाएंगे बच्चे। अभी सूख रहा है ये मेरा, इस टाइप से ये रहेगा मेरा। ये देखिए, ये हेड के ऊपर ये रेन ड्रॉप्स लटकेंगे और जंप करती हुई बटर डॉल्फिन पानी में से जंप कर रही है। इस टाइप से इसको दिखा रहे हैं, तो भी सूख जाएगा तो क्या यहाँ पे रेन ड्रॉप्स स्टेपल कर देंगे, तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। और ये ऑलरेडी अभी सूख रहा है, इसको हम अभी छोड़ूंगा। ये देखिए, ये पीछे से भी कलर कर दिया है हमने, इसको आगे से भी कलर कर दिया है, तो ये 3D लुक, तो 3D लुक आ जाता है। ये पोर्शन मेरा फूला फूला दिख रहा है आपको, ठीक दिख रहा है। तो जब ये स्टेप से बच्ची पहनेगी, ये देखिए, इस स्टेप से पूरी बच्ची पहनेगी इसको, इस टाइप से बच्ची अपने नेक पे पहनेगी है, और पूरा उसका बॉडी इससे डॉल्फिन से ढक जाएगा। तो पेरेंट्स कहते हैं बहुत छोटा सा बना के गले में टांग देते हैं, तो वैसा ना करें। उनकी आइडिया के लिए हम ऐसा बनाए हैं। स्टारफिश बनाना चाहते हैं, टर्टल बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं बड़ा बनाएं, जिससे उसकी पूरी बॉडी ढकी रहे और वो काफ़ी अच्छी दिखे। यहाँ के लिए हो गया, ये हेड के लिए सूख जाएगा, इसको और ब्राइट करेंगे हम, ठीक है। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हम आपको काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।